सिल्की राज। हाय देसी छोरा मस्ती। गुड इवनिंग। ओके सो यस्टरडे व्हाट वी डिस्कस्ड, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके ऑनली टू स्टूडेंट्स आर हियर, सिल्की एंड मस्ती बोथ आर हियर, वेर आर द लिस्ट स्टूडेंट्स? तो कल हम लोगों ने बात की थी कि हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो व्हेन वी गो टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एनी थिंग, मीन्स क्वेश्चन इन इंग्लिश, वट एवर, इट्स ऑफ IBPS, इट्स ऑफ SSC, इट्स ऑफ UPSC, इट्स ऑफ नेट, नेट इज समथिंग डिफरेंट, सॉरी। तो ओके गुड इवनिंग। अच्छा वीडियो की क्वालिटी सही आ रही है ना अभी? ठीक है, तो हमने ही कल बोला था कि सारे बच्चों से मैंने पूछा तो एवरीबडी, नॉट एवरीबडी, दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द थिंग स्टेप बाय स्टेप। तो हम सबसे पहला चीज जो शुरू करेंगे दैट इज विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग अ स्टूडेंट शुड नो इन इंग्लिश ग्रामर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड हो जाएगा, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे तरीके से करना सीख जाएंगे, तो फिर आपको बाकी क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने में आसानी होगी, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बेस कह सकते हैं। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट वन दैट इज। अच्छा कौन मेरे को बताएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कितने सारे, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आर देयर? आई डोंट वांट टू नो द नेम। ओके सिल्की राज 8, वेरी गुड। ओके हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। क्या है, कौन बताएगा क्या क्या है? ओके अभी तो बहुत कम ही बच्चे हैं, जब बाकी सारे आ जाएंगे देन वी विल आस्क। ओके सो द फर्स्ट थिंग इज नाउन, फर्स्ट इज नाउन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउन, वी स्टडी अबाउट नाउन। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? व्हाट इज नाउन? देखो मैंने हर हर एक्सरसाइज, सॉरी हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, फिर एट द एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस, वी विल गो थ्रू सम एक्सरसाइजेस, ठीक है? तभी कमांड बनेगा। एक पूरा एक टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर एक एक्सरसाइज करेंगे, एक टॉपिक को पढ़ेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर एट द एंड हम पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है? सो नाउन, व्हाट इज नाउन? ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट कैन बी द नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग। व्हाट इज नाउन? इट इज अ नेमिंग वर्ड, मीन्स अ नाउन इज द वर्ड दैट नेम समथिंग, दैट इज इट मे बी अ थिंग, इट मे बी अ प्लेस, इट मे बी अ पर्सन, इट मे बी अ एनिमल और इट इज अ फीलिंग। ठीक है, कोई चीज हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है और कोई फीलिंग हो सकता है। इस चीज को जो नेम करता है उसको हम कहते हैं नाउन, ठीक है? सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट नेम, इट मे बी इन द नेम ऑफ अ थिंग, इट मे बी द नेम ऑफ अ प्लेस, इट मे बी द नेम ऑफ अ पर्सन, इट मे बी द नेम ऑफ एनिमल और फीलिंग। ओके एग्जाम्पल सीता, राहुल, इंडिया एटसेट्रा। ठीक है, आ रही है समझ में? ये तो बहुत बहुत सिंपल सा चीज है। ओके फाइव स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा चीज है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऑनेस्टी इज ऑल्सो अ नाउन। यस मस्ती, यू सेड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज ऑल्सो अ नाउन। वट टाइप ऑफ नाउन इज इट, कैन यू प्लीज से? बहुत अच्छा, ऑनेस्टी इज ऑल्सो अ नाउन, सो कैन यू प्लीज से कि विच टाइप ऑफ नाउन इज इट? Honesty is a noun. Okay, see there are types of nouns. So which type of noun is it? Yes, abstract noun. Silkira is very good. It's abstract noun. It's abstract noun. Okay. So now we'll go to the types of noun. Okay. See types of noun. How many types of noun are there? Proper noun.
common noun, collective noun, abstract noun, possessive noun, number noun, countable noun, uncountable noun, masculine noun, feminine noun. There are two nouns which I added here. Is one is possessive and one is number. Okay, तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, right? Even I was not knowing about these two nouns before a month or two. Okay, when I came and researched about all those nouns and prepared these slides, that time I also read many things. Okay, so these are the two types of noun which very less number of people know. Okay, possessive noun and number noun. ये दो जो noun है ना, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है, ठीक है? So let's start. First is proper noun. Okay, proper noun. What is a proper noun? It names of a people or places, such as your name, your friend's name, your parents' name, or the name of your town and country, or special naming words. These words are called proper nouns. Special naming words or proper nouns always begin. Sorry, यहाँ पे दो बार always लिखा गया. Always begin with a capital letter. Okay. Proper noun is, what does proper noun mean? मैंने जब article पढ़ाया था तब आप लोगों को बताया था definite और indefinite article के बारे में, right? तो that time मैंने trick बताया था कि कैसे हम definite को याद रखेंगे और कैसे हम indefinite को याद रखेंगे. तो आज हम बताएंगे proper noun को भी कैसे याद रखेंगे. See, how will we memorize proper noun? Proper means something that is proper, मतलब exact. ठीक है, सो योर नेम, योर फ्रेंड्स नेम, योर पेरेंट्स नेम, द योर टाउन, द नेम ऑफ द सिटी वेर यू लीव, ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेर यू स्टडी, नेम ऑफ द ऑफिस वेर यू वर्क, ठीक है, ये सारा चीज किसी चीज का भी नाम है. करुणा, हेलो, गुड इवनिंग करुणा. मयंक, गुड इवनिंग. तो ये सारे जो नाम है, मतलब अगर किसी चीज का नेम से हम नेम को लेते हैं तो दैट इज प्रॉपर नाउन. मीन्स द नेम ऑफ समथिंग प्रॉपर इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. द सेम द नेम ऑफ समथिंग एग्जैक्ट मीन्स माय नेम इज सुदेशना. सो सुदेशना इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, आई एम अ गर्ल. गर्ल राजवर्धन, गुड इवनिंग राज. आर यू न्यू टू दिस क्लास? वेलकम टू गुरुकुल. आर यू न्यू टू माई क्लास राजवर्धन? ओके, तो आई एम ए गर्ल. गर्ल इज ए कॉमन नाउन. गर्ल कैन बी, ओके, वेरी गुड. तो गर्ल कोई भी हो सकती है, लड़की कोई भी हो सकती है, ठीक है. बट व्हेन आई एम सुदेशना मीन्स आई एम अ प्रॉपर वन. आई एम दैट पर्टिकुलर गर्ल हुज नेम इज सुदेशना. मतलब अगर अगर दो लोग जा रहे हैं, अगर मैं जा रही हूँ और करुणा जा रही है और कोई मुझे बोलता है सुदेशना सुनो, दैट मीन्स आई एम द ओनली गर्ल हु विल लिसन. Because my name is Sudeshna, but when someone say कि ए लड़की इधर सुनो, तो me and Karuna both will turn. Okay, हम दोनों मुड़ जाएंगे क्योंकि we don't know buffering. यार पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत network issues है, बहुत ज़्यादा. I'm so sorry, buffering हो रहा है, क्या कर सकती हूँ बताओ. ठीक है, तो what happens कि when we talk about the name of a person, a thing, a city, a institution, an office, a book, an author, anything that is particular is called proper noun. Particular means proper noun. Example, hello Jack, will you play with me? Means Jack नाम का एक लड़का है, you are asking कि तुम मेरे साथ खेलोगे. Jack, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? Okay, see there are many boys, you are asking Jack to play with you. But if there are many boys and if you ask ए बॉयज विल यू प्ले विथ मी, दैट मीन्स वहाँ पे सारे लड़के हो गए. बट जब तुम जैक को बुला रहे हो, दैट मीन्स दैट इज प्रॉपरली एग्जैक्टली यू आर आस्किंग फॉर जैक. ओके, माई कजन लिव्स इन नॉर्वे. नॉर्वे क्या है, एक जगह का नाम है. मेरी कजन नॉर्वे में रहती है, ठीक है. तो नॉर्वे इज अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. अभी भी बफरिंग हो रही है क्या? ओके, सो टुडे स्ट्रेंथ इज क्वाइट गुड. कभी कभी हो रही है. वैभव ऑपरेटी, गुड इवनिंग. वैभव, गुड इवनिंग. दिस इज योर सेकेंड क्लास, राइट? सो सी, दोज़ हु केम राइट नाउ, आई एम गोइंग टू टेल यू कि आज अभी हम लोगों ने आज से
प्रॉपरली क्लास स्टार्ट किया है, मतलब स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ. वी आर लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, दिस इज द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर. सो इफ यू हैव कमांड ओवर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सी फर्स्ट थिंग इज वोकैब एंड आफ्टर दैट वोकैब इज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर, सो parts of speech is one of the most important basic thing which you need to know for solving English grammar questions, right? आ रही है सबको समझ में? आ गया proper noun, मतलब समझ में आ गया proper noun? Everybody? Is anybody having any doubt in proper noun? Hope you don't have, because this is one of the easiest topic. Okay, so you should move on to the next. Okay, common noun. What is common noun? Common nouns are naming words that are common to people, place, things, animals, etc. Common nouns do not define any particular person, place, or thing. They are general names, so they are not capitalized unless they begin a sentence. One thing I forgot to say about proper noun. मैंने proper noun के बारे में एक चीज आपको बताना भूल गया. ठीक है? भूल गई कि प्रॉपर नाउन, एवरी टाइम व्हेन यू राइट अ प्रॉपर नाउन, इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन जब भी आप लिखोगे, कहीं पे भी लिखोगे या कहीं पे भी लिखा रहता है, ठीक है, तो वो क्या है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. ठीक, मयंक बात नहीं कर लेना, बाद में उससे बात करुणा से और सिल्की से. ठीक है? So common noun is common things. Okay, common noun are the common, means this is not particular, just like girls, boys, teachers, schools. Okay, this type of things are common noun. So they don't start with a capital letter. वो capital letter से start नहीं होते हैं. ठीक है? See, teachers teach in school. Teachers क्या है? In common है. ठीक है? Teachers क्या है? In common है. और स्कूल भी क्या है? कॉमन है. स्कूल का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे. अगर स्कूल का नाम कुछ और होता तो क्या होता है यहाँ पे? स्कूल का नाम अगर दिया रहता तो दैट विल बी अ प्रॉपर नाउन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्कूल. बट स्कूल इज कॉमन, मतलब कोई भी स्कूल के बारे में बात कर रहे थे. टीचर्स जो है वो स्कूल में पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स कोई ना कोई स्कूल में पढ़ाते हैं. बट अगर हम एक टीचर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या उस पर्टिकुलर टीचर के बारे में बात करते हैं? जैसे अगर हम बोलेंगे सर्वर सर, राहुल सर, कोई भी एक टीचर का नाम लेते हैं, सुदेशना मैम, दे टीच इन गुरुकुल, मतलब गुरुकुल इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज वी आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट गुरुकुल. आई एम अ टीचर, आई टीच इन गुरुकुल, मीन्स दैट इज अ प्रॉपर नाउन. बट आई एम अ टीचर, आई टीच इन अ स्कूल, सो आई एम अ टीचर, कॉमनली आई एम अ टीचर, आई कम्स अंडर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु टीचेस. ठीक है? तो क्या होगा? टीचर जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं है, स्कूल है, कॉमन हो जाएगा. बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, बर्ड्स क्या है? कॉमन है. ट्रीज भी कॉमन है, मतलब चिड़िया जो है वो पेड़ पे रहती है. ठीक है? कॉमन. एवरीबडी समझ में आ गया कॉमन नाउन का मतलब? कहाँ है बाकी स्टूडेंट्स? कल बहुत सारे स्टूडेंट थे, कल बहुत नए नए स्टूडेंट थे, परसों बहुत नए नए स्टूडेंट थे, कहाँ गए वो? नहीं आ रहे क्या? वेर आर दे? एट द वेरी फर्स्ट डे आई थिंक दे वर 10 to 15 स्टूडेंट, नॉट 10, या 17 स्टूडेंट्स वेर देयर. बट Slowly, gradually, I'm seeing the number is just reducing. कुछ ही बच्चे हैं. करुणा है मेरे पुराने स्टूडेंट्स में से. करुणा है, मयंक है, सिल्की है. Someone named technical stones. सो रहे होंगे क्योंकि कल ज्यादा लोगों का व्रत था ना, तो थकावट हो गई होगी. बाबू ज्यादातर यहाँ पे लड़के हैं, मयंक यहाँ पे ज्यादातर लड़के हैं. कौन किया होगा कल व्रत? सी गर्ल्स आर प्रेजेंट, गर्ल्स आर प्रेजेंट, बॉयज आर नॉट प्रेजेंट. ओ सो नाउडेज बॉयज आर ऑल्सो हैविंग करवा चौथ. लड़के भी करवा चौथ कर रहे हैं क्या आजकल?
मुझे तो पता ही नहीं था भाई कि करवा चौथ था कल. वो तो किसी का स्टेटस देखा मैंने, इवन आज मुझे पता चला कि हाँ कल करवा चौथ था, फोटोज देख के. ओ अच्छी लड़की मिलने को लड़कों के रखा होगा. ओ अच्छा, अच्छी लड़की ऐसी नहीं मिलेगी, जब तक जॉब नहीं होगा ना तब तक नहीं मिलेगी, ठीक है. सो डोंट थिंक कि करवा चौथ करके क्लास करो, बिकम अ प्रोफेसर, डेफिनेटली विल गेट अ गुड गर्ल, और एल्स नोबडी इज गोइंग टू कम. ओके, 11 स्टूडेंट्स आते हैं, चलो कम से कम कल से थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है, बढ़ते रहो भाई. मैं अच्छी लड़की के लिए मैम से इंग्लिश सीख लो, नहीं सिर्फ इंग्लिश नहीं, सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दो, ठीक है. ऐसे नहीं रहो कि तुम्हें तुम्हें किसी को ढूंढना पड़े, ठीक है, ऐसे बनो कि लोग तुम्हें ढूंढते हुए आए, ऐसे बनो कि लोग तुम्हें ढूंढते हुए आए, ठीक है, कि हाँ भाई उस लड़के से मेरे को मिलना है. डोंट बिकम कि हाँ मैं उस लड़की के पीछे उसको पटा के रखूंगा, ये वो, ठीक है, नहीं होगा उससे. एवरी टाइम नॉट दैट बॉयज रन्स आफ्टर गर्ल्स, देयर आर सम पीपल फॉर होम गर्ल्स ऑल्सो रन्स. ओके, सो डोंट थिंक दैट एवरी टाइम बॉयज रन्स आफ्टर द गर्ल्स, समटाइम्स देयर आर सम पर्सनैलिटीज फॉर दोज गर्ल्स ऑल्सो रन्स. ओके ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. बैभव बोल रहा है बिल्कुल हाँ, बट बशर्ते तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि लोग तुम्हें ढूंढते हुए आए, राइट. कलेक्टिव नाउन. ओ गर्ल्स ऑलवेज रन्स फॉर यू, ओ इसलिए तुमने करवा चौथ नहीं किया था ना कल. ओके वेरी गुड, चलो कम से कम पढ़ तो रहे हो, इट्स वेरी गुड. लेट देम रन, मैं इफ द गर्ल्स रनिंग आफ्टर यू ना लेट देम रन. ओके, यू रन आफ्टर SSC और बैंकिंग, विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, मयंक IBPS और SSC? यस, लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक, विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, IBPS और SSC? ओके SSC. सो वेरियस पोस्ट आर देयर, ओके पोस्ट आर देयर. ओके SSC में तो बहुत सारे स्कोप्स हैं लोगों को, 12th वाला देख लो, SSC CGL देख लो, फिर JEE आता है, उसमें बहुत सारा पोस्ट है SSC में. तो कलेक्टिव नाउन, लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स आर यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. अ कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट होल. जब हम किसी चीज का ग्रुप को डिफाइन करते हैं, ग्रुप के बारे में बताते हैं, दैट टाइम इट्स कलेक्टिव नाउन, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. मीन्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ प्लेसेस, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है. देखो कलेक्टिव को कैसे याद रखोगे, कलेक्शन ऑफ समथिंग मीन्स ग्रुप ऑफ समथिंग, मतलब क्या कलेक्शन ऑफ समथिंग, जब तुम्हारे पास बहुत सारा हो जाता है गुच्छा, ठीक है, उसको ऐसे याद रखो गुच्छा, ठीक है. जब तुम्हारे पास बहुत सारे स्टोन्स, जैसे बहुत लोगों को आदत होता है स्टोन्स जमा करने का, बहुत सारे लोगों को आदत होता है स्टैम्प कलेक्शन का, ठीक है, बहुत लोगों को आदत होता है कॉइन्स कलेक्शन का. सो व्हेन देयर इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, दैट वी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. होप याद रहेगा, कलेक्शन ऑफ समथिंग इज कलेक्टिव नाउन. जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, व्हाट वी कॉल अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी जो है उसमें कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है, बहुत सारे बुक्स को बोलते हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स जो होते हैं उनका एक टीम होता है. ओके ठीक है मयंक, हाँ ऐसे ही होता है. देखो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, देयर आर यू नो व्हेन आई गिव माय IBPS एग्जाम ना, दैट टाइम 0.75 से मेरा कटा था, एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए. द मिस्टेक आई डिड कि वो मैंने छोड़ा था, बट यू शुडेंट स्टॉप देयर. और कंपिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही होते हैं, 0.25, 0.75, ठीक है, 1, 2, इस टाइप से आपका रुकता है, ठीक है. सो बी केयरफुल,
कलेक्टिव नाउन्स क्या है? कलेक्शन, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, टीम ऑफ प्लेयर्स एंड फैमिली ऑफ टू, फैमिली ऑफ फोर, ठीक है, चार लोगों का फैमिली है. फ्लॉक ऑफ शिप, वेन देर इज अ ग्रुप ऑफ शिप वी कॉल इट अ फ्लॉक ऑफ शिप. ठीक है, देखो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ शिप जो है ना, शिप को हम फ्लॉक ऑफ शिप बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शिप नहीं बोलते. ठीक है, अ हेड ऑफ कैटल, ठीक है, कैटल का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हेड ऑफ कैटल. ठीक है, नॉट ग्रुप ऑफ कैटल, बट वी कॉल देम हेड ऑफ कैटल. इसका हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज में. ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे. देखो बी केयरफुल एवरीबडी, बिकॉज यू आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज टूडे. आई एम नॉट गोइंग टू से अ सिंगल वर्ड. ओके, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आ गया था सबको कलेक्टिव नाउन समझ में? एवरीबडी अंडरस्टूड अबाउट द कलेक्टिव नाउन? दिस इज अ वेरी इजीएस्ट पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, यू गॉट एवरीबडी, यू अंडरस्टूड ना? फ्लॉक इज यूज फॉर शीप ओनली. ठीक है, फ्लॉक इज यूज फॉर शीप ओनली. ठीक है, मस्ती, फ्लॉक इज यूज फॉर शीप ओनली. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, an abstract noun is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. ठीक है, ये किसी चीज का क्वालिटी, किसी चीज का एक्शन, किसी चीज का स्टेट को बताता है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जस्ट लाइक somebody से, हाँ मस्ती सेड ना, ऑनेस्टी एट द वेरी फर्स्ट, मस्ती सेड मी अबाउट ऑनेस्टी. सो ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, वेन इट टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, द एक्शन ऑफ समथिंग और स्टेट ऑफ समथिंग. क्वालिटी में क्या है? गुडनेस है, काइंडनेस है, वाइटनेस है, ऑनेस्टी है. एक्शन क्या है? लाफ्टर, थेफ्ट, हैट्रेड एट्सेट्रा. स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ चाइल्डहुड, स्टेट ऑफ बॉयहुड, स्टेट ऑफ यूथ. ओके, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. क्या बोलते हैं? विजडम स्ट्रेंथ से बेटर होता है. मतलब विजडम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्ट्रेंथ इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. हेलो सर, राहुल सर, हेलो सर, कहाँ है मेरे स्टूडेंट्स? माई स्टूडेंट से इन माई क्लास दैट आई टीच वेरी वेल. ओके, बट आई एम नॉट सींग स्टूडेंट इन दैट वे. पहले दो तीन दिन तो बच्चे आए, बट वट हैपन टू देम? वेर आर माई ओल्ड स्टूडेंट्स? देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर रेगुलर इन माई क्लास. सो वेर आर माई न्यू ओल्ड स्टूडेंट्स? प्लीज टेल मी. हाँ हाँ, तुम तो हो ही. मयंक, सी दीज आर वेरी रेगुलर स्टूडेंट्स. मयंक इज देयर, एंड यस्टरडे ऑल्सो वन स्टूडेंट ज्वाइन, ही इज देयर टूडे ऑल्सो वन स्टूडेंट ज्वाइन. ओके, बट वेर आर द रेस्ट वंस? Wisdom is better than strength and honesty is the best policy. So wisdom, strength and honesty is abstract noun. Okay, this is the quality, action and state. Hope everybody understood about abstract noun. देखो ये बहुत इजी, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है. ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इंपॉर्टेंट है बट ईजी है. सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक मच टाइम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस. आई होप यू अंडरस्टूड, क्योंकि बचपन से नाउन हम पढ़ ही रहे हैं. ठीक है, everybody understood? Hope you all understood. Okay, so next, positive noun. हाँ, अब देखो positive noun है, this is one of the new. ठीक है, positive noun new noun है. ठीक है, a positive noun is a word that names who or what has or owns something. We add an apostrophe and s to form the positive of most singular nouns. ठीक है, देखो पॉजिटिव नाउन किसको बोलते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा. ठीक है, बट पॉजिटिव नाउन नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से. ओके, मे बी हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़े होंगे आप लोग. तो पॉजिटिव नाउन क्या है? कि इज अ वर्ड दैट नेम्स हु और व्हाट और ओन समथिंग. ठीक है, पॉजिटिव नाउन क्या बताता है? कि कौन और किसका क्या चीज है. ठीक है, व्हाट, हु और व्हाट और ओन समथिंग. ठीक है, और पॉजिटिव नाउन कब समझ में आएगा? जब हम एपोस्ट्रॉफी इज एस लगाते हैं, या अधिकार, वैभव. एग्जैक्टली, अधिकार. किसी चीज पे जब हमारा हक जमाना होता है, अधिकार होता है, कोई चीज हमारा अपना होता है या किसी और का होता है, तो दैट टाइम वी यूज पॉजिटिव नाउन. जस्ट लाइक पापा बॉट अ न्यू फ्रेम फॉर ग्रैंडपास स्पेक्टेकल्स. पापा ने दादाजी के चश्मे, स्पेक्टेकल्स के लिए, चश्मे के लिए एक नया फ्रेम लाया. ठीक है, तो
किसका स्पेक्टिकल से ग्रैंडपा स्पेक्टिकल. तो यहाँ पे ग्रैंडपा जो है वो पॉजिटिव नाउन है. द वर्ड ग्रैंडपा इज अ पॉजिटिव नाउन. और ग्रैंडपा जो पॉजिटिव नाउन है वो सिंगुलर है. ग्रैंडपा सिंगुलर है क्योंकि दादाजी इकलौते हैं. ठीक है, तो क्या है कि उस पे हम लोगों ने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया. सी आई हैव रिटन हियर, वी एड एन एपोस्ट्रॉफी एस टू द फॉर्म टू फॉर्म द पॉजिटिव और मोस्ट सिंगुलर नाउन्स. ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब सिंगुलर नाउन्स होता है उसको जब हम पॉजिटिव नाउन बना लेते हैं. ग्रैंडपा इज कॉमन. ठीक है, ग्रैंडपा इज कॉमन नाउन. कोई भी ग्रैंडपा हो सकते हैं, कोई भी दादाजी हो सकते हैं. ठीक है, तो जब हम ग्रैंडपा के स्पेक्टिकल्स के बारे में बात करें तो व्हाट वी पुट हियर, जब हम इसको पॉजिटिव नाउन में कन्वर्ट किए ग्रैंडपा को, तो हम लोगों ने क्या किया, एपोस्ट्रॉफी एस लगाई. यू नो ना, एवरीबडी यू नो अबाउट एपोस्ट्रॉफी एस, राइट? होप यू मस्ट बी नोइंग. सो जब हमको कोई भी नाउन को पॉजिटिव नाउन में कन्वर्ट करना होता है तो व्हाट वी डू इज वी पुट एपोस्ट्रॉफी एस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि पापा ने ग्रैंडपा के लिए, दादाजी के लिए चश्मे का न्यू फ्रेम लाया. ठीक है, टेड्स ड्रीम फॉर अ बाइसाइकिल केम ट्रू ऑन हिज बर्थडे. टेड्स ड्रीम फॉर अ बाइसाइकिल केम ट्रू ऑन हिज बर्थडे. ठीक है, टेड्स ड्रीम, किसके ड्रीम के बारे में बात करें, टेड इज अ बॉय, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बॉयज ड्रीम. मतलब टेड के ड्रीम के बारे में बात करें फॉर अ बाइसाइकिल. बाइसाइकिल के जो जो टेड का ड्रीम था, बाइसाइकिल के लिए जो टेड का सपना था वो उसके बर्थडे में पूरा हो गया. ठीक है, टेड का सपना, किसका सपना, टेड का सपना, मतलब द ड्रीम इज ओन्ड बाय टेड. ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी? पॉजिटिव नाउन. सी समटाइम्स वी नीड टू, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं. ठीक है, नाउन्स है, नाउन्स के नीचे बहुत सारे रूल्स हैं, हम उसको भी डिफाइन करेंगे. बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाउन्स में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं. सो पॉजिटिव नाउन, समटाइम्स वी नीड टू शो पॉजिशन फॉर प्लूरल नाउन्स और वेयर द ओनर्स आर मोर देन वन. इन सच केसेस वी एड एन एपोस्ट्रॉफी एट द एंड. देखो सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, देखो सिंगुलर जब था, जब सिंगुलर नाउन था तो हम लोगों ने क्या किया, एपोस्ट्रॉफी एस लगाया. लेकिन जब ओनर, क्योंकि स्पेक्टेकल का ओनर कौन था, ओनली दादाजी थे, सिर्फ दादाजी थे, इसलिए हम लोगों ने ग्रैंडपा के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगाया. जब ओनर एक से ज्यादा है, बहुत सारे ओनर थे, तब हम क्या करेंगे, एंड में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, नॉट एपोस्ट्रॉफी एस. ओके, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे उस वर्ड के एंड में. जिसलाइक अ गर्ल्स स्कूल इज लोकेटेड नियर माई हाउस. गर्ल्स स्कूल मतलब द स्कूल इज ऑफ ऑल द गर्ल्स, कोई भी लड़की वहां पढ़ सकती है. सो दिस स्कूल डजेंट बिलोंग टू मी और सिल्की और करुणा. ओके, करुणा भी पढ़ सकती है, सिल्की भी पढ़ सकती है और मैं भी पढ़ सकती हूँ. कोई भी लड़की वहां पे पढ़ सकती है जो मेरे घर के बगल में. ए गर्ल्स स्कूल इज लोकेटेड नियर माई हाउस, मतलब गर्ल्स जो है वो, दैट हाउ दैट स्कूल बिलोंग्स टू एवरी गर्ल. बहुत सारी लड़कियों से बिलोंग करते हैं. सो व्हाट वी पुट, व्हाट वी डिड, वी पुट एपोस्ट्रॉफी एट द एंड ऑफ गर्ल्स. ठीक है, लड़कियां, बहुत सारी लड़कियों का हक है उस पर, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, गर्ल्स के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाया. सो बी केयरफुल माई डियर स्टूडेंट्स वेन यू यूज सिंगुलर नाउन. दैट टाइम व्हाट वी पुट टू मेक इट पॉजिटिव, वेन देर इज सिंगुलर, तो व्हाट वी डू, वी पुट एपोस्ट्रॉफी एस टू मेक दैट नाउन पॉजिटिव नाउन. बट वेन इट इज plural, we put apostrophe only at the end of that word to make it a possessive noun. Okay, everybody understood? Just like, see, we should not harm the bird's nest. हमें चिड़िया का जो घोंसला है उसको हार्म नहीं करना चाहिए. ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड. देखो यहाँ पे भी बर्ड्स है, मतलब नेस्ट जो है वो सारे बर्ड से बिलोंग करता है, सबका हक है. दैट्स वाई बर्ड्स नेस्ट. ओके, सबको समझ में आया, करुणा, सिल्की, मयंक, बैभव, तुमको समझ में आ गया? ठीक है, और भी स्टूडेंट्स हैं, थे यहाँ पे दो स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए थे. हैप्पी टीचर्स डे, या एग्जैक्टली, व्हेन वी राइट हैप्पी टीचर्स डे, बहुत सारे जगहों में मैंने देखा है कि बच्चे गलत लिखते हैं हैप्पी टीचर्स डे. बट हैप्पी टीचर्स डे जो होता है टीचर्स के बाद एपोस्ट्रॉफी लगता है, नॉट एस. ओके, बहुत सारे जगह पे होता है टीचर लिखते हैं फिर एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, बट नो, मस्ती, यू रोट द करेक्ट. ओके, हैप्पी टीचर्स डे, वी शुड राइट इन दैट वे बिकॉज इट्स फॉर एवरी टीचर, सारे टीचर्स का हक होता है इस पर. ओके, राइट. अब देखो नंबर नाउन, नंबर नाउन्स डिनोट वन और मेनी. देर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर नाउन. ठीक है, देखो ना, अब नाउन बेस्ड ऑन नंबर्स. ठीक है, नंबर्स पे बेस्ड जो नाउन है उसको हम पढ़ेंगे. टू टाइप्स ऑफ नंबर नाउन है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है.
सिंगुलर नंबर नाउन इट स्टैंड फॉर वन पर्सन एनिमल थिंग और प्लेस. जो सिंगुलर नंबर नाउन होता है वो क्या होता है, एक सिंगल पर्सन के लिए होता है, सिंगल एनिमल के लिए होता है, सिंगल थिंग या फिर सिंगल मतलब कोई भी चीज़ सिंगल के लिए होता है, ठीक है. और प्लूरल क्या होता है, जो एक से ज़्यादा होता है, ठीक है. पर्सन एनिमल थिंग और प्लेस कोई भी. सिंगल सिंगुलर जानते हो, प्लूरल जानते हो, एवरीबडी नोज अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट. सो आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन ऑल दिस. फॉर एग्जाम्पल, 1 toy, 3 balls, 2 dogs, 5 cars, 9 planets and so on. ओके, देखो अब रूल्स देखो. नंबर नाउन जो है ना, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रूल होते हैं, ठीक है. इसमें हम कभी कभी बहुत गलती करते हैं. व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ अ वाई आफ्टर ए कंसोनेंट, वी रिमूव द वाई एंड एड आई ई एस. जब कोई सिंगुलर नाउन है और वो क्या है, जब कोई सिंगुलर नाउन है और वो क्या है, कंसोनेंट के जस्ट बाद वाई से एंड होता है, तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं और उसके पीछे आई ई एस ऐड करते हैं. जैसे क्या, देखो, सिटी सिटीज, लेडी लेडीज, स्टोरी स्टोरीज, ठीक है. कंसोनेंट्स आर ऑल अदर लेटर्स एंड यू ऑल नो अबाउट वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स, ठीक है. तो क्या, जब किसी के पीछे कंसोनेंट होता है और कंसोनेंट मतलब वर्ड एंडिंग विथ कंसोनेंट एंड वाई. देखो, अगर कोई वर्ड है, नाउन है, और वो कंसोनेंट एंड वाई से एंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे वहां से. वी विल कट वाई एंड देन व्हाट वी विल पुट, आई ई एस टू मेक इट प्लूरल. उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को हटा देंगे वहां से और आई ई एस एड करेंगे, राइट. सबको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट रूल टू. If there is a vowel before y, just add s to form its plural. और अगर देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि the word ending with consonant and y, तो उसके पीछे हम आई ई एस लगाएंगे y को हटा के. बट जब क्या है कि y से पहले vowel होगा, तो what we will do? We will not do anything. We will just put an s. ठीक है, हम वहाँ पे पीछे में एस लगाएंगे, जस्ट लाइक बॉय बॉयज, डे डेज, ट्रॉली ट्रॉलीज. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेना. आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है. रूल थ्री, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स विद ओ आफ्टर अ वावेल, एड एस टू मेक इट अ प्लूरल नाउन. और अगर कोई सिंगुलर नाउन ओ से स्टार्ट और ओ से एंड हो रहा है, अगर कोई वावेल है और एंड में ओ है, तो क्या होगा, मतलब वावेल एंड ओ, वावेल और वावेल के बाद ओ आएगा, तो क्या करेंगे, उसमें भी हम एस लगाएंगे. जैसे बम्बू बम्बूज, रेडियो रेडियोज, वीडियो वीडियोज. ओके, ऑनली 7 स्टूडेंट्स हो गए. ओके, होप मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट. ओके, रूल फोर, व्हेन ए सिंगुलर नाउन एंड्स विद ओ आफ्टर ए कंसोनेंट, वी एड ई एस टू मेक इट अ प्लूरल नाउन. क्या है, जब कोई सिंगुलर नाउन ओ से एंड होता है कंसोनेंट के बाद, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे ई एस लगा देते हैं. जस्ट लाइक टोमेटो टोमेटोज, वोल्केनो वोल्केनोज, हीरो हीरोज. देखो ये क्या है, पहले कंसोनेंट टी कंसोनेंट है और ओ वावेल है, ठीक है. तो क्या करेंगे हम, उसको ओ से पहले कंसोनेंट है तो क्या करेंगे हम, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बस ई एस लगा देंगे, ठीक है. नंबर नाउन, इज इट ऑल्सो पॉसिबल दैट फॉर फ्यू नाउन्स एंडिंग विथ ओ प्रेसिडेड बाई अ कंसोनेंट, वी एड द लेटर एस टू फॉर्म देयर प्लूरल. कभी कभी क्या होता है कि अगर ओ से एंड हो रहा है लेटर प्रेसिडेड बाई अ कंसोनेंट, अगर कोई कंसोनेंट सॉरी प्रेसिडेड बाई कंसोनेंट मतलब कोई लेटर है सॉरी कोई नाउन है जो ओ से एंड हो रहा है बट ओ से पहले उसका कंसोनेंट है, तो व्हाट विल हैपन कि उसके पीछे हम 12 एस लगा देंगे, ठीक है. ओके, व्हाट इज हैपनिंग माय स्टूडेंट्स, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू लिविंग द क्लास इन द मिडलैंड, इज देयर एनी इशू, अगर कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, ठीक है. एंड आई होप जितने सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में रेगुलर रहे होंगे, उनको पता चलता होगा कि व्हाट दे आर लर्निंग एंड व्हाट दे आर नॉट. सी मेनी थिंग्स आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू, यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम मी, नॉट ओनली यू आर लर्निंग फ्रॉम मी. ओके, सो आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग वट एवर यू हैव लर्न इन दिस फ्यू क्लासेस. आई डोंट थिंक आई हैव टेकन मोर देन 10 क्लासेस विद यू. सो इन 10 क्लासेस मिनिमम मतलब 6 to 8 क्लासेस ही हुए होंगे मेरे आपके साथ भी. शो मेरी तबीयत खराब हुई दुर्गा पूजा की छुट्टी रही, तो सही ये जो 6-7 क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा. दोज वर रेगुलर, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज वर रेगुलर. ओके,
ओके सो ट्राई टू शेयर इट. देखो मैं बार बार यही चीज बोलती हूँ, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ना उतना हमारा क्लास इंटरेक्टिव होगा. ठीक है, मे बी देर आर समथिंग वी डोंट नो, देर इज समथिंग न्यू दैट इज नॉट इन एनी ऑफ आवर माइंड, सो वी विल कम टू नो अबाउट दैट स्टूडेंट समथिंग न्यू. ओके सुमित कुमार, गुड इवनिंग, कहाँ थे आप? सुमित कुमार, व्हाई यू आर लेट? व्हाई यू आर लेट सुमित? ओके रूल 5 ऑफ नंबर नाउन, इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स विद अ साउंड लाइक एस सच एज एस 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 एच सी एच एक्स जेड टी सी एच, वी आर ईएस टू मेक इट प्लुरल. सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो. ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन अगर एंड हो रहा है विथ लेटर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड टी सी एच, तो हम क्या करेंगे, हम उसके पीछे ई एस लगाएंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए. वी विल पुट ई एस टू मेक इट प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल बॉक्स है बॉक्सेस, वॉच वॉचेस, ड्रेस ड्रेसेस, क्विज क्विजेस. ठीक है, क्या है, एक्स है, किसी में एक्स है, किसी में सी एच है, किसी में डबल एस है, किसी में जेड है, तो जो भी है इसमें हम क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे. ठीक है, आया बात सबको समझ में? एवरीबडी अंडरस्टूड? ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. नेक्स्ट रूल 6, दिस इज द लास्ट रूल. इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई, चेंज द एफ इनटू वी एंड ई एस टू मेक इट प्लूरल. अगर कोई लेटर एफ या कोई सिंगुलर नाउन एफ या एफ ई से एंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके आगे एफ लग भी लगाएंगे या फिर ई एस वी लगाएंगे और ई एस लगाएंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए. एफ को काट कर उसके जगह पे वी लिखेंगे और ई एस जोड़ेंगे. जस्ट लाइक लाइफ लाइव्स, काफ काव्स, लोफ लोव्स, नाइफ नाइव्स. आया समझ में? अगर कोई सिंगुलर नाउन है और वहां पे अगर एफ है, अगर दैट वर्ड इज एंडिंग विथ एफ और एफ ई, तो वट वी विल डू, वी विल पुट वी इंस्टेड ऑफ एफ एंड देन आफ्टर दैट वी विल एड ई एस टू मेक इट प्लूरल. यू अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. इतने अच्छे से समझाया, बहुत इजी सा टॉपिक है और इस पर नहीं समझाने की जरूरत है. प्लीज टेल मी येस और नो. ओके वेरी गुड वैभव, सिल्की. ओके सो ने अब दूसरे पे जाए करुणा. ओके अच्छा, जो मैं समझा रही हूँ बाकी सबको समझ में आती है ना, ये तो चलो ठीक है. नाउन बहुत इजी सा टॉपिक है, मैं मानती हूँ आधे से ज़्यादा लोगों को आता है, बट जो बाकी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है, यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड वट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ में आती है ना, और जहाँ पे नहीं आती है वहाँ पे प्लीज पूछ लिया कीजिए. ठीक है, ओके ओके मस्ती. ओके ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे इरेगुलर प्लूरल. ठीक है, कुछ इरेगुलर प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, प्लूरल्स ऑफ सम नाउन रिमेन्स द सेम. देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होता है. मयंक, ओके ओके थैंक यू मयंक. ठीक है, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होता है, बोथ द केसेस आर सेम. ओके सम थिंग्स सम, हाँ ठीक है मयंक, हो गया, बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है, तो कुछ चीजें होनी, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते. वट एवर इट इज इन मे बी इट इज इन सिंगुलर और इट इज इन प्लूरल, बोथ द साइड्स आर सेम. ओके जस्ट लाइक फिश, एफ आई एस एच, फिश, जब उसका सिंगुलर है तब भी वो फिश है और प्लूरल है तब भी फिश है. डियर डियर, कैटल कैटल, शीप शीप, बाइसन बाइसन, दीज आर द वर्ड्स विच आर इरेगुलर प्लूरल, मीन्स दे आर द सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म हो प्लूरल फॉर्म हो दोनों में वो सेम होते हैं. सी फिर कुछ वर्ड्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब कि दे डोंट हैव, मींस यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट देम सिंगुलर एंड प्लूरल. जस्ट लाइक बॉक्स है बॉक्सेस है, फॉक्स है फॉक्सेस है, नाइफ है नाइव्स है. बट यहाँ पे देखो जैसे माउस है, माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा, माइस. ऑक्स है, क्या हो जाएगा, ऑक्सन. कैक्टस है
cacti. Child hai children, man hai men, woman hai woman. ठीक है. सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल लाइक पैंट्स जीन्स शॉर्ट्स टॉन्ग्स सीजर हेयर एंड सनग्लासेस. देखो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल है. बताओ कौन कौन से. जैसे पैंट्स हो गए. देखो पैंट के ना दो पैर होते हैं, मतलब देयर आर टू पैर्स, लेफ्ट साइड राइट साइड. तो पैंट्स आर ऑलवेज प्लूरल, सीजर्स आर ऑलवेज प्लूरल. ठीक है, शॉर्ट्स आर ऑलवेज प्लूरल. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना वो हमेशा प्लूरल होते हैं क्योंकि वो पेयर में होते हैं हमेशा, मतलब टू साइड से. ठीक है, पैंट पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स. ठीक है, स्लीपर्स, या दे आर ऑलवेज प्लूरल, या सिल्की, दे आर ऑलवेज प्लूरल. काउंटेबल नाउन. नाउ लेट्स कम टू द काउंटेबल नाउन. ट्राउजर्स, या बैवर ट्राउजर्स. Nouns that can be counted are called countable nouns. Most of the nouns come in the category of countable nouns rather than uncountable nouns because they refer to things, people or animals that cannot be counted. So, countable noun kya hai? Jisko aap count kar sakte ho, theek hai? Girls, boys, tree, cups, books. ठीक है. I saw two owls sitting on the tree. मैंने देखा दो owls. Owls को क्या बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में owls? I don't know what owls is said in Hindi. उल्लू, या एग्जैक्टली. तो उल्लू जो है, मैंने क्या देखा कि दो उल्लू पेड़ पे बैठ रहे थे. मीन्स आई वॉज एबल टू काउंट बोथ द आउल्स. ओके, देर आर फोर मिल्क बॉटल्स इन द फ्रिज. देखो इफ आई से देर आर फोर मिल्क इन द फ्रिज, यहाँ पे देखो मतलब वो गलत हो जाएगा क्योंकि मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते. बट वेन देर आर बॉटल्स ऑफ मिल्क दैट टाइम वी कैन काउंट. सो ओके ओके, हो गया उल्लू, पता चल गया. वो याद नहीं आ रहा था मुझे वो टर्म उल्लू. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस कि जब हम देखते हैं कि देर आर फोर मिल्क बॉटल्स इन द फ्रिज, मतलब मिल्क को तो वी कांट काउंट, इट कम्स अंडर अनकाउंटेबल नाउन. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉटल्स ऑफ मिल्क, बॉटल्स ऑफ वाटर, सो इट इज काउंटेबल, मतलब वी कैन काउंट द बॉटल्स, राइट? सो द बॉटल्स ऑफ मिल्क इन द फ्रिज इज काउंटेबल. Uncountable noun. Nouns that cannot be counted are called uncountable nouns. Nouns जिनको हम count नहीं कर सकते हैं उसको हम कहते हैं uncountable noun. Just like water, sugar, rice, rain, jam. ठीक है, तो उसको हम count नहीं कर सकते. उसके लिए हम क्या करते हैं, just like अभी क्या पढ़ा, milk को हम count नहीं कर सकते. क्या milk को कर सकते, एक milk, दो milk, तीन milk, नहीं कर सकते. But when you fill in the bottles, you fill in the jar, we fill in the packet, we can say packet of milk, like jars of milk, bottles of milk. ठीक है, sugar, sugar को क्या count कर सकते हो, मुझे तीन चीनी देना, मुझे हजार चीनी देना, किसी को जाके बोल सकते हो क्या, वो पागल हो जाएगा भाई गिनते गिनते. ठीक है, तो 1 kg ऑफ शुगर, 1 jar ऑफ शुगर. ओके हाँ सर मैं ठीक हूँ, बट मीन्स आई एम ओके ओके टाइप, सो आई कैन टीच. ठीक है, बट वेर आर माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? Only 10 are there. Before I was ill, there were 17 students. Love is uncountable. Yeah, of course. That's why what we say, a token of love. क्यों मयंक क्यों नाराज है आपसे सर? क्या बात हो गई, मयंक क्यों नाराज हो सर से? तो for just love is uncountable, yeah, love is uncountable मयंक. For that only we say token of love, a token of love. ठीक है, तो there are things which is uncountable, there are things which are uncountable, मतलब उसको हम count नहीं कर सकते. ठीक है, so for that we use like a little, a plenty, a ball, a glass, a jar, a jug, इस type से. ठीक है, a bottle, तो तब हम इसको count कर सकते हैं, bottle को हम count कर सकते हैं, right? अब देखो जेंडर बेस्ड पे नाउन. ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंगुलर प्लूरल पढ़ा, फिर आपका countable uncountable पढ़ा. ठीक है, नाउन जो है, नाउन अब जेंडर के बेसिस पे हम पढ़ेंगे. ओके, नाउन
There are two types of gender, masculine, not two types, there are different, many are there, but I'm defining you the two main, okay, masculine and feminine. Okay, masculine nouns represent males, males ko masculine gender represent karta hai, aur females ko feminine gender. Okay, so masculine nouns are males and feminine nouns are girls. Masculine nouns are prince, man, king, boy, cock, lion, etc. Or feminine mein kya hoga? Princess, woman, queen, girl, hen, lioness, etc. Okay? But there are some nouns that represent both males and females. For example, children, artists, principals, teachers, singers, lawyer, etc. Ispe aapko pata chal raha hai kaun sa male hai, kaun sa female hai. So, there are three types of nouns, mainly two types are there, masculine and feminine, and there are third type which we are unable to distinguish which one is male and which one is female. Means both can be male, both can be female. Okay, both types of gender is there. Okay, ab hum exercise karenge, theek hai? What is wrong here? Who will say? I can't read without glass. Who will tell me the sentence is wrong? Bearer of glasses. Anybody else? Silky has glasses. Why it is glasses? Can any of you please explain? Glasses kyun hoga? Karuna, glasses. Okay, why it is glasses? Masti, hamesha masti nahi chalega, theek hai? You should write the word plural. Okay, because glasses are always used as plural. Okay, very good. I can't read without glasses because glasses are always plural. Okay? A herd of cattle were stolen. Kya ye sentence galat hai ya sahi hai? Sentence sahi hai ya galat hai? Baba bola awaaz hoga. बाबा ने बोला आवाज होगा. Anybody else? कोई और? The herd of no, a herd of cattle भी होगा सिल्की. A herd of cattle भी होगा. मस्ती बोल रहे सही है. बाबा आवाज क्यों होगा यहाँ पे? Baba was kyun hoga? Why was? Yeah, exactly. A herd of cattle. Exactly. Baba, very good. ठीक है, यहाँ पे देखो a herd of cattle. देखो herd को क्या, a herd of cattle मतलब cattle कितने भी हो, herd क्या है? एक है, तो was होगा. Very good. Collective noun is generally used as singular. ठीक है. People was roaming in the garden. Who will say? Kya galat hai? Who will say? Kya galat hai? Arey exercise ke time pe students kam hote ja rahe hain. Kya baat hai? Yeah, Karuna, right? People were roaming in the garden. Okay, anybody? Where? Masti said where? Mayank, where? Yeah, where hoga? Kyunki people, why it is where? Because people is always used as plural. Why is it where? People is always used as plural. Okay? Yes. Silky where? Exactly. Because people is a plural noun. He got two breads.
एक ग्रुप ऑफ पीपल होता तो आसान था मयंक। वेरी गुड। चलो कम से कम आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना यहाँ से, मतलब जो भी मैं बता रही हूँ उससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है सबको। ओके ग्रुप ऑफ पीपल होता तो आवाज आता मयंक। वेरी गुड। मुझे लगता था मयंक पढ़ाई नहीं करता, लेकिन मयंक पढ़ाई भी करता है। मुझे लगता था मयंक खाली बदमाशी करता है। या टू पीसेस ऑफ ब्रेड, या ब्रेड इज अनकाउंटेबल। मस्ती, ब्रेड नहीं होगा, ब्रेड होगा। टू ब्रेड कैसे होगा? टू पीसेस ऑफ ब्रेड, टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, टू लोव्स ऑफ ब्रेड। ओके ब्रेड को, ब्रेड इज जो है वो अनकाउंटेबल है। ब्रेड को क्या काउंट कर सकते हो? इतना छोटा सा भी ब्रेड का स्लाइस होगा तो भी ब्रेड का लगेगा, इतना बड़ा सा ब्रेड का स्लाइस होगा तो भी ब्रेड का लगेगा। तो वी कांट काउंट ब्रेड, सो वी काउंट देम एज स्लाइस ऑफ ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड, पीसेस ऑफ ब्रेड। ओके ओके ब्रेड इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है नेक्स्ट। ही हैज मच चिल्ड्रन, कौन बताएगा इसमें क्या गलत है? ही हैज मच चिल्ड्रन। वैभव ने बोला मेनी। ओके वैभव सेड मेनी। आई विल वेट फॉर थ्री आंसर्स। ओके एनी बडी, ही हैज मच चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या होगा? मेनी। मेनी करुणा, मेनी मस्ती, मेनी या ही हैज मेनी चिल्ड्रन। मेनी इज मच इज अनकाउंटेबल, मेनी आएगा। या मयंक वेरी गुड। वाह मयंक का कंसेप्ट तो बहुत क्लियर है यार। मेनी इज यूज विथ प्लूरल काउंटेबल्स। एग्जैक्टली काउंटेबल है ना तो मेनी होगा। वेरी गुड। तुम लोगों का रिप्लाई से पता है, व्हेन आई डू द एक्सरसाइज, मैं एट द एंड क्यों एक्सरसाइज कराती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, आप लोगों को कितना समझ में आया। एंड व्हेन यू रिप्लाई ना, दैट इज द बेस्ट थिंग आई एवर गेट फ्रॉम माई चिल्ड्रन, सीरियसली। वेरी गुड। सबका आंसर कल तो शायद करुणा, येस्टरडे, हाँ करुणा गेव ऑल द राइट आंसर। आई गेव देम 14 क्वेश्चंस एंड करुणा ने 14 का 14 आंसर सबसे पहले दिया और सबसे सही तरीके से दिया। दिस इज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ओके नेक्स्ट, प्लीज गिव मी सम शुगर्स, प्लीज गिव मी सम शुगर्स। शुगर, वैभव ने बोला शुगर। आज वैभव बहुत अच्छा आंसर दे, कल भी वैभव ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। अनकाउंटेबल, ओके वैभव अनकाउंटेबल, शुगर करुणा, वेलकम करुणा। सी व्हेन यू डू समथिंग गुड, सो ऑफ कोर्स आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव बिकॉज इट्स अ लाइव क्लास, सो यू शुड टेक माई अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन इज वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ स्टूडेंट, फॉर एवरीबडी। शुगर मयंक ने बोला, शुगर मस्ती ने बोला, शुगर पावर करुणा ने बोला, शुगर। ओके एग्जैक्टली इट इज, प्लीज गिव मी सम शुगर्स नहीं होगा बिकॉज शुगर इज अनकाउंटेबल। ठीक है सो प्लीज गिव मी सम शुगर। अलॉट ऑफ बुक्स इज ऑन द टेबल, अलॉट ऑफ बुक्स इज ऑन द टेबल, इसमें क्या होगा? हु विल से? बैबा ने बोला बुक, लॉट्स ऑफ बुक्स इज ऑन द टेबल, करुणा ने बोला बुक। सी कोई भी सेंटेंस है ना, उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है, उसका बस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सुधारना है, उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है। मस्ती, बुक, बैब, आर, मेरे बुद्धू लोग, अ लॉट ऑफ बुक कैसे होगा? बहुत सारा किताब या बहुत सारी किताबें, हिंदी में क्या बोलते हो? अगर बोलते हो बहुत सारा किताब तो गलत है। मयंक गुप्ता, आर, देखो मयंक सुधर, मयंक थोड़ा कॉन्शियस हो गया। नहीं या अ लॉट ऑफ बुक्स आर ऑन द टेबल, बहुत सारी किताबें टेबल पर रखी, तो ईज नहीं लगता है। ठीक है ईज नहीं लगता है जब प्लूरल है यहाँ पे, लॉट्स ऑफ बुक्स। ठीक है या ईज नहीं आएगा करुणा, यस ईज नहीं आएगा। ठीक है आर ऑन द टेबल, ठीक है बहुत सारी किताबें हैं जो टेबल पे रखी हुई है।
A lot of books are on the table. Plural countable noun should be used after a lot of. Plural countable noun, ठीक है? तो यहाँ पे आर होगा. So that's all for today's class. बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो last में exercise solve किया, that was awesome. So today all of my students replied in a very good way. Close passes का topic कब होगा class में? Close passes? Tomorrow I'll come with some more questions. Okay, देखो ये noun बहुत easy सा topic है, ठीक है? So tomorrow I'll come with some other topic. ठीक है, सो टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज बहुत बाकी सारे टीचर्स को भी क्लास लेना है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल हम आएंगे. क्लोज टॉपिक क्या है? क्लोज पैसेज क्या बोल रहे थे? क्लोज टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो क्या वैभव? आर यू टॉकिंग अबाउट क्लोज टेस्ट? ओके, हम आएंगे. पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो. 8-10 दिन में हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, ठीक है? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कमांड ओवर पार्ट्स ऑफ स्पीच. बहुत सारी चीजें हैं जो हम भूल गए, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखो, नाउन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ना हम सब बचपन में पढ़े हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे इसका धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं, ठीक है? सो इसको हम एक बार, इट्स ऐसा नहीं कि हम न्यू तरीके से पढ़े. अगर हम न्यूली पढ़े होते तो हमें बहुत टाइम लगता है. यू ऑल आर आंसरिंग इन ए वेरी गुड वे, ठीक है? तो सबको सब कुछ पता, हम इसको जस्ट एक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? और एक और चीज, जिस पे भी आपको डाउट है या फिर जो डेफिनेशंस है, जैसे मैंने नाउन पढ़ा है तो नाउन तो चलो बहुत ईजी है, प्लीज ट्राई टू नोट इट डाउन, ठीक है? जब आप लिखो, आई विल वेट फॉर यू. टेल मी कि मैम हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है? मैम प्लीज डिस्कस मिनिमम 5 idioms एंड phrase डेली. या आई कैन, ओके, ठीक है. हम ही काम करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास. हम कुछ vocabs, कभी vocabs और कभी idioms एंड phrase डिस्कस कर लिया करेंगे. ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो मिलते हैं हम कल ठीक 4 बजे. और कल प्लीज एवरीबडी कम इन टाइम, सब टाइम पे आ जाना, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय.